आई थिंक इट वॉज लाइक हु लाइक हु अब भी तो तुमने बोला आई वॉज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम तुमको अब याद नहीं आ रहा है। द लेडीज एंड जेंटलमैन नोटिफाइड चैनल पर आपका स्वागत है। पहले अपडेट की बात करें तो रिसेंटली कॉफी विद करण के शो पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एज ए गेस्ट बुलाए गए थे, तो वहां पर करण ने दीपिका से कुछ रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछे, जिन पर दीपिका ने जो बयान दिया ना उन्हें सुनकर दीपिका तो ट्रोल हुई ही पर रणवीर के भी चेहरे पर 12 बज गए। तो दरअसल दीपिका ने कहा कि मैं रणवीर के पहले 3-4 लड़कों के साथ अफेयर में थी और उनसे मुझे मजा नहीं आ रहा था, जिसके बाद का सीन आप ही देख लो। I wanted to be single for a while because yeah. I had come out of a couple of difficult relationships and I was going through this phase where I said I just want to be not be attached and not be committed and I just yeah. want to have fun because this is the age too and yeah. you know and then and he comes along and so I didn't commit in fact until he proposed to me there was no real commitment as such even if we were technically allowed to maybe see other people yeah. we would just keep coming back to each other so I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. Mm. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, वही रिसेंटली आतिफ असलम यूएसए में कॉन्सर्ट करने गए हुए थे, जहां पर शो के दौरान उन्होंने कुछ व्यक्तियों को समझाने के लिए पूरा शो ही रोक दिया। तो बात कुछ ऐसी थी कि आतिफ असलम स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, जहां पर कुछ लोगों ने उन पर पैसे उड़ाए। अब दोस्तों आतिफ असलम ने शो रोक कर उन्हें कहा कि पैसे डोनेट करो, मुझ पर फेंक कर तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। वही दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एमए बनता है का फनी रोज सेवलॉन ने किया था, जिस पर एमए एक रैप बनाने वाले हैं जिससे जन जागृति हो सके। क्या बोलती पब्लिक, दुनिया में हजारों हिप हॉप आर्टिस्ट है ये मूव करते हैं और सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन ने इसको हैक कर दिया और बना डाला हैंड वॉशिंग मूव। क्या मस्त आइडिया है बच्चों के हाथ धुलवाने के लिए, क्या बोलते। तो इसी हैक को यूज करके मेरा नया गाना आएगा और मिलके बनाएंगे हैंड वॉशिंग को कूल, क्या बोलते। तब तक अपने फेवरेट आर्टिस्ट को टैग करो और मेरे कमेंट में हैशटैग हैंडवॉश लेजेंड के साथ, क्या बोलती बोले। अब दोस्तों आपको इस पर क्या लगता है हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वही अब बात करें हनी सिंह की, तो कला स्टार के बाद हनी पाजी इंटरनेशनल विलेजर 2 के मेकिंग में जुड़ गए हैं, जिसका हिंट देते हुए उन्होंने स्टोरी में बताया है। तो दोस्तों क्या आप इनके इस नए गाने का इंतजार कर रहे हो, हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, चलता हूँ, धन्यवाद।